मैगी तो बहुत खा चुके, तो चलिए आज बनाते हैं मैगी मंचूरियन। ये इंडियन एंड चाइनीज क्यूजीन का एक मिक्स है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैगी मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम मैगी को बॉयल करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें 2 कप पानी डाल दिया है और गैस को ऑन कर देंगे। फिर अभी उबाल आ गया है तो इसमें 2 पैकेट मैगी का डाल देंगे और इसके साथ जो मसाले रहते हैं उसको नहीं डालेंगे, सिर्फ ऐसे ही इसको उबालना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। अभी हो गया है तो जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको ऐसे छान लेंगे और फिर इसको थोड़े बड़े बाउल में रख देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडा हो गया है, ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो गया है, तो अभी इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ गाजर और थोड़ा सा कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन और स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और मैगी मसाला जो हमने यूज नहीं किया था, जो मैगी के साथ था, उसको भी इसमें डाल देंगे। सेजवान सॉस, सॉस, चटनी, किसी भी चीज का आप यूज कर सकते हैं और इन सबको डाल के और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम लग रहा है तो इसलिए मैं 1-2 चम्मच और ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से बॉल बने। और इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, ऐसे देखिए कुछ इस तरह से बॉल बनना चाहिए। देखिए अब मेरा रेडी हो गया है बॉल बनाने लायक। एक प्लेट लेंगे और 1 पैकेट मैगी का लेंगे, जिस तरह से इसको तोड़ लेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं थोड़े छोटे, या हाथ से भी कर सकते हैं। इसको यहाँ हाथ से ही कर रही हूँ, कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा सा ऐसे पानी लगाएंगे और मैगी के छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे ही एक ही करके सारे बॉल बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा बॉल बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको जो सूखा मैगी है उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। थोड़ा अच्छे से ना हो तो ऐसे प्रेस कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से एक एक करके सबको कोट कर लेंगे। देखिए ऐसे सारे बॉल को मैंने कोट कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और अब उसमें डालेंगे तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, थोड़ा चेक कर लेंगे, तब उसमें मैगी के बॉल डाल देंगे और बॉल डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और ऐसे करके थोड़ा ऊपर तेल डालते रहेंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से फ्राई हो गया है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे।
सारे बॉल को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे और गैस को ऑन करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। जब हल्का गर्म हो जाए तब उसमें डालेंगे कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन, इन सबको डाल के अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे, हल्का भून लेंगे। और अब डालेंगे कटा हुआ हरी मिर्च, इसको भी ऐसे चला लेंगे। और फिर डालेंगे कटी हुई सब्जी शिमला मिर्च। मैंने तीनों कलर का लिया हुआ है, मेरे पास था तो मैंने लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है, एक कलर का ग्रीन भी रहेगा तो बन जाएगा। और अब डालेंगे कटा हुआ प्याज और सब सब्जियों को डाल के अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे इसको। और अब डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, और इसको डाल के अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब डालेंगे सॉस। सॉस डालते टाइम गैस का फ्लेम लो रखेंगे या बंद करेंगे, सारे सॉस डाल लेंगे और फिर से गैस स्टार्ट कर लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, और थोड़ा सा चिली विनेगर। चिली विनेगर का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो खट्टा हो जाता है। और अब डालेंगे सेजवान सॉस, ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो केचप। और इन सब सॉस को डाल के गैस को ऑन कर लेंगे। सॉस डालते वक्त मैंने गैस को बंद कर दिया था। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैक्सिमम 1 मिनट तक ऐसे ही इसको पका लेंगे, ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसको अच्छे से पानी में घोल लेंगे। इस तरह से ऐसे घोल तैयार कर लेंगे। और अब इसको इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, एक उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए अभी इसमें उबाल आ गया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब गैस को बंद कर देंगे और सारे अपने मैगी के बॉल इसमें डाल देंगे। यदि आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, नहीं तो यदि आपको ड्राई खाना है स्टार्टर जैसा तो थोड़ा कम ही। और इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सॉस सब पे प्रॉपर ऐसे कुछ इस तरह से। देखिए यदि सॉस आपको कम ज़्यादा खाना है तो थोड़ा ऊपर से और ऐड कर सकते हैं। तब एकदम बन के रेडी हो गया है, तो चलिए सर्व करते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मैगी नहीं भी पसंद है तो मैगी मंचूरियन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। यदि मैगी आपको पसंद है तब फिर क्या कहना, तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक बार ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।